नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। असम में बिहू के भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गाना गाया, कहा हम मृत्यु पर विजय पाएंगे और स्वाधीनता के द्वार खोलेंगे। बिहू डांस में असम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम मोदी की मौजूदगी में 11,304 कलाकारों ने किया डांस, 2,548 ड्रम बजाए गए। टीएमसी सरकार पर अमित शाह का हमला, बोले ममता बनर्जी पर हिटलर जैसा शासन करने का आरोप भी लगाया। बीरभूम में अमित शाह का बड़ा बयान, बोले 42 सीटों में से 35 सीटें जीत ली थी तो टीएमसी सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस में शामिल, दो दिन पहले भाजपा छोड़ी थी, राज्य की 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी। केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस, शराब नीति केस में 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया, आप बोली सीएम को जेल भेजने की साजिश। दिल्ली में बीजेपी नेता की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने 6 गोलियां चलाई, बीजेपी पूर्व पार्षद थे सुरेंद्र। दिल्ली में जारी रहेगी बिजली सब्सिडी, ऊपर राज्यपाल ने फाइल को मंजूरी दी है, 40 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले हमें देश में विदेशी नहीं चाहिए, गुलामी के कोई भी अभिव्यक्ति नहीं होती, हम स्वतंत्र रहने के लिए ही स्वतंत्र हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के हालात पर उठाए सवाल, कहा जब सब नॉर्मल है तो जामिया मस्जिद में नमाज की इजाजत क्यों नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा ईडी सीबीआई के अधिकारियों पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। विजय वर्गीय सुपड़खा वाले बयान पर भड़की महुआ मोइत्रा, हम बंगाली औरतें हम वो पहनते हैं जो हम चाहती हैं। कर्नाटक चुनाव में जेडीएस ने जारी की 50 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, देवगौड़ा की बहू भवानी रेवन्ना का नाम शामिल नहीं। शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक का नाम, 6 ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा। जम्मू कश्मीर में फुट ब्रिज गिरा है, 62 घायल, 25 लोगों की हालत गंभीर, बैसाखी उत्सव के दौरान यह हादसा हुआ है। आजमगढ़ में खेत में मिला युवक का शव, एक दिन पहले शौच के लिए गया था, जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में 8 माह से लापता युवक का मिला शव, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया, परिजनों ने शासकीय अधिवक्ता और उसके पुत्र पर लगाया है आरोप। कानपुर देहात में व्हाट्सएप चैट वायरल करने वाला गिरफ्तार, एसपी बोले आरोपी ने चैट्स में छेड़छाड़ करके फर्जी ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था। सोनभद्र से आदिवासी लड़कियों को ले जाकर बाहर बिहार में बेचा, मानव तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा, अन्य की तलाश जारी है।
कौशाम्बी में अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पुलिस की छापेमारी। पूर्व प्रधान आजम व पूर्व बसपा विधायक आसिफ जाफरी के गांव में हुई कार्रवाई। अतीक के बेटे असद को कब्रिस्तान में दफनाया गया, जनाजे में शामिल नहीं हो पाया अतीक। यूपी में सूरज की तपिश बढ़ी, पारा 40 डिग्री के पार। 18-19 अप्रैल को हो सकती है बारिश, बढ़ेगी उमस। अतीक के आर्थिक साम्राज्य पर ईडी का बड़ा वार। 48 दिन में 44 साल की काली कमाई का नेटवर्क ध्वस्त, खंगाल डाली 100 बड़ी डमी कंपनियां। लखनऊ में युवक की पीटकर हत्या, प्रेमिका पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लड़की के परिजनों ने की मारपीट। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 141 नए केस, 560 हुए सक्रिय मरीज। कानपुर में निकाय चुनाव की मॉक ड्रिल आज, 17 से शुरू होंगे नामांकन, एक एक तैयारियों को जाएगा परखा। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में दो वांछित गिरफ्तार, एक को लगी गोली, युवक की हत्या के मामले में चल रहा था फरार। रामपुर में दरी बुनकर के घर लगी भीषण आग, घर में रखे 2.5 लाख कैश और दरियों का स्टॉक जलकर हुआ राख। कानपुर में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत, 14 से 20 अप्रैल तक चलेगा जन जागरण अग्नि बचाव जागरूकता अभियान। हरदोई में दंपति ने फांसी लगाकर दी जान, फरवरी में हुई थी शादी, एक दिन पहले मायके से ससुराल आई थी विवाहिता। बिजनौर में ट्रेन से गिरकर अधेड़ की मौत, रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस, परिजनों को दी गई सूचना। हसनपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध शराब और लहन बरामद, 3 पर मुकदमा दर्ज। सीतापुर जेल में कैदियों की भूख हड़ताल, 4 घंटे तक अफसरों की हुई बातचीत, उपचार के दौरान एक कैदी की हो गई थी मौत। उन्नाव में पूर्व प्रत्याशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, मोरावा इंस्पेक्टर और पत्रकारों के बीच झड़प, एसपी ने सीओ को सौंपी जांच। बलिया में पति ने पड़ोसी पर पत्नी के अपहरण का लगाया आरोप, थाने में दी नामजद तहरीर, कहा जान से मारने की धमकी दे रहा है आरोपी। अशरफ के साले सद्दाम पर 25,000 का इनाम घोषित, बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ से मिलवाए थे शूटर, जल्द 50,000 रुपए का होगा इनाम। नोएडा के स्कूल में बम मिलने की सूचना से मचा हड़कंप, स्कूल प्रबंधन को भेजा गया ईमेल, लिखा थोड़ी देर में होगा ब्लास्ट। रायबरेली के मौलाना राबे हसनी नदवी का हुआ निधन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 21 साल से थे अध्यक्ष। कुशीनगर से डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 4 लोग घायल, गोरखपुर से लौट रहे थे घर, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। गोरखपुर में दहेज हत्या में पति समेत 5 पर एफआईआर, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी महिला, 4 दिन पहले पति ने पीटा था, 2 दिन पहले दम तोड़ा।
चित्रकूट पुलिस ने दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। 1.17 लाख की नकदी और तमंचा बरामद। सहायता करने के बहाने बदलते थे एटीएम कार्ड। अयोध्या के जिला अस्पताल में शुरू हुई सीटी स्कैन की सुविधा। 6 साल बाद मरीज चिकित्सक के परामर्श से निःशुल्क करा सकेंगे सीटी स्कैन। गाजीपुर सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल। बस ने बाइक को मारी टक्कर, दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। बलरामपुर में महिला थाना प्रभारी सस्पेंड, दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में मांगी थी रिश्वत। ऑडियो क्लिप ने खोल दी है ये पूरा पुल। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत। पिता बोले पुत्री सीढ़ियों से नीचे गिर गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर पायलट को मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। डॉप्लर रडार लगाने की कवायद। उत्तराखंड में 4 घंटे में 108 नए कोरोना संक्रमित मिले, एक की मौत। 283 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में 24 घंटों में 7 स्थानों पर धधके जंगल। अब तक हुई 147 घटनाएं। उत्तराखंड में गर्मी की भीषण मार। देहरादून में 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है पारा। अठारह अप्रैल को धामी मंत्रिमंडल की बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बाघ का आतंक। अपने शिकार का 2 किलोमीटर तक किया पीछा, घरों में दुबके लोग। रुड़की के मंगलौर में सटोरियों को पकड़ने गई थी पुलिस टीम पर हमला, लोगों ने पुलिस से की हाथापाई। करोड़ की ठगी को दिया अंजाम, प्रोजेक्ट शुरू करने का झांसा देकर बेच दी जमीन। नैनीताल में सैलानियों की रौनक, गुलजार नजर आए पर्यटक स्थल, कारोबारी खुश। हरिद्वार में कोलू पर मजदूरी करने वाले मजदूर के साथ हुई बर्बरता, खौलती कड़ाही में डाला दोनों पैर झुलसे। उत्तराखंड में अक्टूबर नवंबर में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन, विदेशों में होंगे रोड शो, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। रुद्रपुर में प्लॉट देने के नाम पर महिला समेत 2 लोगों से सामिया बिल्डर्स ने ठगे, 32.20 लाख डायरेक्टर गिरफ्तार। देहरादून में स्कूली कर्मचारी के भाई ने डाली थी एमडीडीए के पूर्व अधिकारी के घर डकैती, 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में पैसा खर्च नहीं करने वाली पंचायत पर होगी दंडित, अच्छा काम करने वाले को दिया जाएगा पुरस्कार। उत्तराखंड के पाखरो रेंज घोटाले में पूर्व डीएफओ किशन चंद और रेंजर के खिलाफ चार्जशीट भेजी गई कोर्ट, लगे कई आरोप। अफगानिस्तान में अपने डॉग ऑफिसर छोड़ाया यूएस ट्रंप का आरोप, वहां चीन के डर से अमेरिका ने सरेंडर किया, रात के अंधेरे में भागे सैनिक।
चीन को 1 लाख बंदर बेचेगा श्रीलंका नारियल और दूसरी फसलें खराब कर रहे हैं बंदर, इनसे हर साल 157 करोड़ का नुकसान। नासा फ्लाइट सेंटर की डायरेक्टर बनी बैंक एंजी, इस ओहदे पर पहुंचने वाली पहली महिला, बाइबल की बजाय पसंदीदा बुक पर हाथ रखकर शपथ ली। अमेरिकी सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक करने वाला सैनिक गिरफ्तार, यूएस एयरफोर्स का कर्मचारी था 21 साल का जैक, एफबीआई ने घर से हथियार बरामद किए हैं। उत्तर कोरिया ने दागी सॉलिड फ्यूल वाली आईसीबीएम मिसाइल, लॉन्चिंग स्पीड के चलते रडार पर पकड़ा जाना मुश्किल। मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में बैठे जयशंकर, भारत की मदद से बनी बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया, महादेव मंदिर में पूजा की। फ्रांस में लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम में तोड़फोड़, 3 महीने से पेंशन योजना का विरोध जारी, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। टेक्सास में 18,000 गाय विस्फोट में मारी गई हैं, डेयरी फॉर्म में मशीन में खराबी से धमाका हुआ, अमेरिका में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। यूक्रेन युद्ध पर छपे एक लेख को लेकर रूसी कोर्ट ने विकिपीडिया पर लगाया लाखों का जुर्माना, लेख को हटाने को लेकर मांग की थी। ब्रिटिश व्यक्ति ने आईएसआई से संबंधित आरोपों में अपना दोष स्वीकार किया है, 19 साल की उम्र में हुआ था गायब। हैकर्स के निशाने पर भारत की 12,000 सरकारी वेबसाइट, हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया ग्रुप के दावे के बाद केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मस्क का प्लान, अब ट्वीट से कमाई भी होगी, ट्वीट के शब्दों की सीमा 280 में हुई 10,000। एक मई से महंगी हो जाएंगी टाटा की कारें, कंपनी ने इस साल दूसरी बार बढ़ाए दाम, मेकिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी बनी वजह। बटर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट नहीं करेगा भारत, पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा देश में दूध की नहीं है कमी। एक्सट्रे नाम से आएगी हुंडई की नई कार, माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच को देगी टक्कर, एक्सपेक्टेड प्राइस 6 लाख रुपए। डिजिटल पेमेंट में अमेरिका और यूके से भी आगे भारत, चीन भी कई मामलों में पीछे, आईएमएफ ने दूसरे देशों में दी सीखने की नसीहत। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त, 6.30 अरब डॉलर बढ़कर 584.75 अरब डॉलर पर पहुंचा मुद्रा भंडार। अमेजॉन से 27,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला बहुत कठिन था, कंपनी के उतार चढ़ाव पर बोले सीईओ एंडी जेसी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान, बोले भारत की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली पर वैश्विक संकट का असर नहीं। दुनिया भर में हो रही छटनी का असर, 2/3 लोगों को नौकरी जाने का डर, आर्थिक स्थिति में आई गिरावट। टीवी की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईपीएल देखने वाले बढ़े, टूर्नामेंट के पहले ही हफ्ते में डिजिटल पर 550 करोड़ व्यूज मिले। सबसे अमीर टी20 लीग शुरू करना चाहता है सऊदी अरब, आईपीएल मालिकों और बीसीसीआई को सेटअप जमाने के लिए मना रहा है।
संदीप शर्मा की बेटी और पत्नी का क्यूट वीडियो वायरल। सीएसके के खिलाफ पापा के आखिरी ओवर को एंजॉय करती दिखी बेटी। मैदान पर शतकवीर हैरी ब्रुक लगा रहे थे चौके छक्के, स्टैंड में उनकी गर्लफ्रेंड का रिएक्शन हुआ वायरल। कोलकाता के खिलाफ हैरी ब्रुक ने सिर्फ 55 गेंदों में जड़ा शतक, ईडन गार्डन्स में चौके छक्कों की बरसात की। केकेआर ने शाकिब अल हसन के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, युवा आर्या देसाई को बनाया टीम का हिस्सा। रिंकू सिंह की तूफानी पारी गई बेकार, एसआरएच ने रोमांचक मुकाबले में कोलकाता को दी मात। दिवाली के समय डब्ल्यूपीएल के विंडो की तलाश शुरू, बीसीसीआई सचिव जय शाह बोले डब्ल्यूपीएल का अगला एडिशन होम अवे प्रारूप में होगा। हैदराबाद ने कोलकाता को घर में 23 रन से हराया, यह सीजन की दूसरी जीत। 13.25 करोड़ के हैरी ब्रुक ने जमाया पहला शतक। आंद्रे रसेल के पैर में चोट लगी, हैरी ब्रुक को 45 के स्कोर पर मिला जीवनदान, राणा ने एक ओवर में 28 रन बनाए। एक बार फिर दर्शकों पर चलेगा हैरी पॉटर का जादू, जारी हुआ टीवी सीरीज का टीजर। सिद्धार्थ निगम के सवालों में उलझे शहनाज गिल, फिल्म सेट से आए मजेदार वीडियो। इब्राहिम अली खान संग अपने रिश्ते पर पलक तिवारी ने तोड़ी चुप्पी, बोली इन बातों में सच्चाई नहीं। असद अहमद के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी की मुरीद हुई कंगना रनौत, एक्ट्रेस का ट्वीट इंटरनेट पर हुआ वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस शालिनी चोपड़ा के साथ हुई छेड़खानी, एक्ट्रेस को मिली जान से मारने की धमकी। दुनिया भर में बजा अजय देवगन के भोला का डंका, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई ये फिल्म। अनुराग कश्यप ने शेयर किया फिल्म कैनेडी का फर्स्ट लुक, सनी की खूबसूरती ने जीता फैंस का दिल। तीसरी बार कोरोना संक्रमित हुई पोसानी कृष्ण मुरली, हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती हैं एक्टर। पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी ने प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल किया, नॉलेज सुधारने का दिया ज्ञान। आकांक्षा दुबे के सुसाइड केस में आया नया मोड़, एक्ट्रेस अनुराधा सिंह को पूछताछ के लिए पुलिस ने भेजा है समन। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर